बॉलीवुड इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं महेश भट्ट, जो कि अपनी विवादों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और वो लगातार इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी हॉट सीन्स और बोल्ड मूवीज देने से बाज नहीं आते। दोस्तों, वैसे तो महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में इस बात को साफ कर दिया था कि वो जाति पाति को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि उनके पिता मुस्लिम और उनकी माता हिंदू थी। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट का सीधा साधा कहना है कि अगर दिल मिले तो जाति धर्म को पीछे छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, शायद यही वजह रही जब उन्होंने परवीन बॉबी के साथ रिलेशनशिप में आए। जी हाँ दोस्तों, परवीन बॉबी एक मुस्लिम एक्ट्रेस थी और वहीं महेश भट्ट एक हिंदू थे, जिसके बाद भी परवीन बॉबी के साथ वो 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे, जिसकी वजह से परवीन बॉबी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गई और रिलेशनशिप में रहने के अंदर ही परवीन बॉबी ने सुसाइड कर लिया। हालांकि ये सुसाइड थी या आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि महेश भट्ट लगातार अपने आप को लाइम टाइम में ही रखना पसंद करते हैं, चाहे वो किसी विवाद की वजह से हो या फिर किसी अच्छे काम की वजह से। हद तो तब हो गई जब वो अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ लिप वॉक करते हुए एक मैगजीन के फ्रंट पेज पर नजर आए। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो अगर वो पूजा भट्ट उनकी बेटी नहीं होती तो वो उनसे शादी करने के बारे में जरूर सोचते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि महेश भट्ट की दूसरी पत्नी टोनी राजदान की बेटी हैं आलिया भट्ट, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना खासा नाम बना चुकी हैं। वहीं पुरानी मूवीज में भी आप पूजा भट्ट को साफ तौर पर देख सकते थे। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में महेश भट्ट भी अहम दोषी हैं, पर इस बारे में अभी तक मुहर नहीं लगाई गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि महेश भट्ट अभी लाइम टाइम में इस वजह से हैं क्योंकि उन्हें लगातार ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री की 3 अभिनेत्रियों को इस दुनिया से भेजने का इल्जाम लग रहा है। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम उन 3 अभिनेत्रियों का वर्णन करेंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।